Welcome to the series of CFAP4 BFD, where we are solving all the questions of winter 2022 attempt. And this is question number four that we are having regarding CAPM capital asset pricing model and portfolio theory. ICAP ne last portfolio theory ko, I guess, jo hai winter 2019 mein test kiya tha. And now winter 2022 ke andar hamare paas ek question iska jo maujood hai. इसे हम नॉर्मली पोर्टल पे जिस तरह क्वेश्चंस अपलोड होते हैं ऐसे भी करेंगे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल करेंगे ताकि अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए स्टूडेंट्स इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकें और इसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन कर सकें, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल एंगल भी है, थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल भी है, दोनों को यहाँ पे समझ के जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ द वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यार कोई ऐसा रियलिस्टिक पॉइंट उठाकर इस सवाल को जो है वो बनाया गया है और हमारे पास क्वेश्चंस भी इसी तरीके से हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरीली ये दो पार्ट्स हैं। पहले वाले में हमें ये पोर्टफोलियो एनालिसिस और सीएपीएम दोनों इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, पोर्टफोलियो थ्योरी और सीएपीएम। दूसरे वाले में हमें बोर्ड को एडवाइस करनी है रिगार्डिंग सम मैटर, और तीसरा हमारे पास जो है वो प्री टैक्स केडी और डेट की वैल्यूएशन से रिलेटेड है, वो हम साथ साथ देख लेंगे। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो आपके लेक्चर सीरीज में ये पहले जो टॉपिक्स गुजर चुके हैं उससे बेसिकली ये जो है वो ताल्लुक रखता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे पोर्टल पे लेक्चर्स देख रहे हैं उन्हें उसकी सीक्वेंस के हिसाब से पता होगा कि पहले कवर हो चुका है। तो आए पढ़ते हैं सवाल को, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इट सेज ओकान लिमिटेड या ओकान लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन लाहौर एंड इज लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ओएल प्रोड्यूसेस प्री प्रिपेयर्ड रेडी मील्स दैट आर सोल्ड टू रिटेलर्स इन द प्रोडक्ट रेंज इज लिमिटेड एंड ओएल इज कीन टू डेवलप एंड एक्सपैंड द रेंज ऑफ रेडी मील्स सोल्ड अंडर द ओएल ब्रांड। यानी यहाँ पे ये क्या करना चाह रहे हैं कि मिलते जुलते रेडी मील्स को मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं सर कि दे आर लुकिंग फॉर एक्सपेंशन, ये एक्सपेंड करना चाहते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसको एसपीएम अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कभी कभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कभी कभी हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, इन दोनों चीजों के अंदर बारल जो है वो ये फॉल कर जाता है। आप इसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं, सही। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं द बोर्ड हैज बीन अप्रोच्ड बाय अराइवल कंपनी कोएल लिमिटेड, कोएल लिमिटेड टू असर्टेन इफ ओएल विल बी इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द बिजनेस। ओएल्स ओनर्स आर लुकिंग टू रिटायर एंड वुड लाइक टू सेल द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। अभी उनकी कंपनी चल रही है, उन्होंने कहा जी आप काम कर लें, हमें जो है वो खरीद लें। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन गई सर, एक टारगेट कंपनी बन गई। ओएल लिमिटेड बिकम्स एन ऑप्शन फॉर एक्विजिशन। उन्होंने कहा आप नया प्लांट लगाएंगे, नई मशीन लगाएंगे, नया काम करेंगे, एक काम करें चलती हुई कंपनी हमसे ले लें, हम आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। सर आपने रिलेटेड कैसे पता लगाया, देखो राइवल कंपनी है, राइवल कंपनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करती होगी, कॉम्पिटिशन है आपका। Prior to being approached by Coil, the board had commenced negotiations with the local farming company, Roller Limited, with a view to making an offer to purchase the business to integrate with a key part of the supply chain. ये बहुत ही important point है. Integrate with the key part of the supply chain. इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं backward integration की. जिधर आप अपनी सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन साउंड कर रहा था कहीं ना कहीं, यहाँ पे हम जो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट साउंड कर रहा था, इधर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर आप रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन में से एक कंपनी खरीदने की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर टू रॉयल। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन वन था, ये आपके पास जो है वो ऑप्शन नंबर टू आ गया कि या तो आप उस कंपनी को एक्वायर करें या आप इस कंपनी को एक्वायर करें, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं ओएल डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स एट द करंट टाइम टू इन्वेस्ट इन बोथ कोएल एंड रोलर एंड मस्ट चूज जस्ट वन बिजनेस। इनके पास सफिशिएंट फंड्स इतने नहीं है कि दोनों को दे सकें, इन्हें एक बिजनेस चूज करना होगा। द इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बी सिमिलर इन फाइनेंशियल टर्म्स एट अराउंड ₹500 मिलियन। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को देखो तो ये तकरीबन तकरीबन 500 मिलियन के आसपास फॉल करेगी। Neither Coal nor Roller have any debt finance. Debt finance को आप completely यहाँ पे ignore कर दें, उसकी किसी किस्म की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कोई debt finance है भी नहीं इनके पास। The board is aware that there are financial models that evaluate the risk and return
ऑफ कंबाइंड बिजनेस पोर्टफोलियो थ्योरी एंड सीएपीएफ, दो तरह से होते हैं हमारे पास। सर पोर्टफोलियो थ्योरी में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह को इस्तेमाल करके रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा एक वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला सा है, आपने पोर्टफोलियो थ्योरी के पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, उसको इस्तेमाल करके हम दोनों का रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं कि दोनों के ऊपर हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रहे वेटेज के हिसाब से, ठीक है। हाउएवर द बोर्ड इज नॉट श्योर, और दूसरा मेथड सीएपीएम होता है। सीएपीएम में हम आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा इक्विटी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं और पोर्टफोलियो बीटा, जो पोर्टफोलियो बीटा वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो बीटा हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमने सीएपीएम के अंडर पढ़ा हुआ है। वो बेसिकली रिस्क बताता है, जो पोर्टफोलियो बीटा है वो रिस्क बताता है, पोर्टफोलियो रिटर्न बेसिकली आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बताता है। हाउएवर द बोर्ड इज नॉट श्योर विच मॉडल शुड बी यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डिसीजन एंड आस्क्ड फॉर योर एडवाइस। बोर्ड हमें ये भी कह रहा है कि भाई ये बताओ हमें कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए, आस्क्ड फॉर योर एडवाइस, आपने मॉडल के बारे में भी बताना है। You have been able to collate the following information for OL and other two companies. ये OL है, ये option one है, ठीक है, और ये option number two है, Coil Limited और Roller Limited. Expected return for shareholders, हमें जो expected return होना चाहिए वो दिया हुआ है यहाँ पे 14%, 13%, 15%। ये expected return हम portfolio theory के weighted average return के formula में इस्तेमाल कर सकते हैं। Standard deviation के बारे में कहते हैं 3%, 2.5%, 4%, बहुत ज़्यादा risky companies नहीं नजर आ रही। कोरिलेशन कोफिशिएंट ओकान के साथ, सर वो तो कंपनी खुद है, नॉट एप्लीकेबल है, इसके साथ 0.9 है, इसके साथ 0.3 है। ये हम बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जो हमारा रिस्क का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट वाला उसमें इस्तेमाल करेंगे। इक्विटी बीटा भी दिए हुए हैं, ये सीएपीएम के लिए दिया हुआ है 0.78, 0.67, 0.89 और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है इसकी तकरीबन 2000 मिलियन है और इसकी 500 और 500। सर 500 500 दी हुई है तभी हम 500 में कंपनी खरीदने के लिए 500 मिलियन में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने 500 मिलियन का नंबर इधर दिखा दो, दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। देखना है रिस्क ज्यादा कहां पर है और रिटर्न कितना उसके हवाले से जो है वो जस्टिफाई होता है। ओएल वुड लाइक टू फंड द एक्विजिशन बाय इशूइंग सम एडिशनल इररिडीमेबल डेट फाइनेंस। यहां पे कुछ ही एडिशनल डेट फाइनेंस भी इशू करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना थोड़ी सी ये पोर्टफोलियो थ्योरी या सीएपीएम से रिलेटेड नहीं है, ये जो है वो हमारी वो फाइनेंस वाली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाली सारी जो अंडरस्टैंडिंग वैक वाली अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली हम यील्ड टू मैच्योरिटी और प्रीटैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ ओएल कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 6% पर एनम एंड इज ट्रेडिंग एट 75%, यानी 100 वाला बॉन्ड 75 रुपए में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कूपन रेट हम ऑफर कर रहे हैं ये मार्केट रेट से कम है। मार्केट रेट हो सकता है 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो, जो भी मार्केट रेट है उससे कम है हमारा कूपन रेट, तभी इन्वेस्टर 100 रुपए के बॉन्ड के लिए 75 रुपए देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट से कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टर कम रिटर्न देने के लिए तैयार है, उसको बारे में यहाँ पे देखेंगे। द न्यू डेट फाइनेंस विल हैव अ कूपन रेट ऑफ 7% पर एनम। अब नया बॉन्ड कंपनी सोच रही है 7% पे इशू करे, लेकिन नॉर्मली जब बॉन्ड इशू होते हैं तो जो कूपन रेट होता है वो मार्केट रेट की करीब करीब होता है या उसके बराबर होता है। यहाँ पे कहते हैं द डेट इज सिक्योर्ड इन अ सिमिलर वे टू द एग्जिस्टिंग डेट सच दैट इन्वेस्टर्स विल एक्सपेक्ट द सेम रिटर्न, यानी के दोनों के केस में यील्ड टू मैच्योरिटी या प्रीटैक्स के डी सेम है। दिस मींस, दिस फ्रेज मींस, दिस लाइन मींस सेम प्रीटैक्स के डी या यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर बोथ। प्रीटैक्स के डी कह लें या यील्ड टू मैच्योरिटी कह लें, दोनों के लिए बहरहाल यहां पे हमारे पास सेम नंबर आएगा। ये कि उन्होंने हिंट दिए कैलकुलेशन में, हम देखेंगे इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। द रिटर्न ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैन बी अज्यूम टू बी 16%। ये क्या दिया है सर इसने, किया हमें इसने टेक्निकली आरएम दिया है। एंड रिस्क फ्री ट्रेजरी बॉन्ड्स हैव अ कूपन रेट ऑफ 7%, दैट मींस सर ये क्या दिया है, ये इसने हमें आरएफ दिया है। द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स 29%, जो कंपनी का पाकिस्तान का टैक्स रेट 29% है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड में कहता है यूज बोथ पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सीएपीएम टू डिटर्मिन द ओवरऑल बिजनेस रिस्क एंड रिटर्न। सर पहले तो हमें यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दो अप्रोचेस के साथ हमें यहाँ पे सीएपीएम वाली अप्रोच भी चाहिए और हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो थ्योरी वाली अप्रोच भी चाहिए, ठीक है। दोनों में हमें यहाँ पे रिस्क भी कैलकुलेट करना है और रिटर्न भी कैलकुलेट करना है, दोनों कैलकुलेट करना है और दोनों के फॉर्मूले के हिसाब से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो करनी है।
कैलकुलेट करने से पहले हमें थोड़ा सा वेटेज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा कि दोनों इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमारी वेटेज जो है वो बनती क्या है। तो अगर मैं देखूँ, मेरे पास ओकान लिमिटेड की मार्केट वैल्यू देखें, अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो ये बनती है 2000 मिलियन। और अगर मैं केएल या आरएल दोनों में से किसी एक की बात करूं, रिगार्डलेस इनकी, अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो बनती है 500 मिलियन। ठीक है सर, टोटल मिला के मेरा जो यहाँ पे नंबर बनता है वो बनता है 2500 मिलियन। ठीक है, अब मैं जरा वेटेज निकालना चाह रहा हूँ दोनों की, ताकि हम फॉर्मूला वगैरह सही से अप्लाई कर सकें। सर अगर मैं पहले केस में, दोनों केसेस में 500 500 मिलियन का अमाउंट है, अगर मैं प्रोपोर्शन देखूँ तो 2500 में से 2000 का प्रोपोर्शन मेरा 80% वेटेज यहाँ बनता है और 20% वेटेज मेरा यहाँ बनता है। टोटल आप देखें क्यूमुलेटिव लेवल पे 100% बन जाता है। सिंपल आप 500 डिवाइड बाय 2500 करें, आपके पास 20% आ जाएगा, फिर जो रिमेनिंग बचता है वो 80% है। अब सबसे पहले हम सीएपीएम को पिक करते हैं, सर दोनों को, सॉरी पोर्टफोलियो थ्योरी को पिक करते हैं कि दोनों को यहाँ पे अप्लाई जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। सर अगर मैं पोर्टफोलियो थ्योरी की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे दो एसेट हो गए, एक नंबर वन एसेट ये है, दूसरा एसेट इन दोनों में से कोई एक बनेगा, दोनों में से कोई भी एक बन सकता है। तो क्या मैं टू एसेट पोर्टफोलियो थ्योरी के रिस्क रिटर्न के फॉर्मूले यहाँ लगा सकता हूँ? बिल्कुल सर, ओपन बुक है, ओपन बुक एग्जाम में फॉर्मूला मेरे सामने है, आपकी किताब में कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा हो। रिस्क के रिटर्न की अगर हम बात करें तो आप दोनों के रिटर्न को दोनों की वेटेजेस से मल्टीप्लाई कर दें, एज सिंपल एज दैट। रिटर्न हमारे पास ए का कितना है, रिटर्न हमारे पास बी का कितना है, वेटेज हमारे पास ए की कितनी है, वेटेज हमारे पास बी की कितनी है, तो सिंपल इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं पोर्टफोलियो थ्योरी में थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे जो है वो रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ। सर अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे पास रिटर्न ए का इंटू वेटेज ऑफ ए प्लस रिटर्न बी का इंटू वेटेज ऑफ बी। ठीक है, बहुत आसान है। ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरे पास कितना है सर, वो है 14% यहाँ पर, और अगर बी का देखने जाओ कोयल के केस में तो वो है 13%, अगर रोलर के केस में जाओ तो वो है 15%, दोनों का अलग अलग हो गया। तो सर 14% इंटू 80% प्लस 13% इंटू 20%। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रिटर्न आ जाएगा 0.14 × 0.8 प्लस 0.13 × 0.2, ये बन जाता है मेरे पास 13.8% का रिटर्न इन द केस ऑफ व्हाट सर, इन द केस ऑफ कोयल। हमने कोयल में सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया है, कोयल के केस में 13.8 बन जाता है। सर अगर इसी तरीके से मैं रिटर्न कैलकुलेट करना चाहूँ इन द केस ऑफ रोलर, रोलर के केस में भी कैलकुलेट हो जाएगा। आप ले लें रिटर्न ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ ए इंटू वेटेज ऑफ ए, प्लस रिटर्न ऑफ बी इंटू वेटेज ऑफ बी। इस दफा थोड़ा सा नंबर्स चेंज हो जाएंगे हमारे पास, पहला वाला कंपोनेंट सेम रहेगा सर 14% इंटू 80%, दूसरा वाले कंपोनेंट के अंदर थोड़ा सा फर्क आएगा, 13 की जगह अब यहाँ पे हो गया 15% इंटू 20%। ठीक है सर, 0.14 × 0.8 प्लस 0.15 × 0.2, ये बन जाता है क्यूमुलेटिव 14.2%, 14.2% ये आ गया रिटर्न आपका रोलर के हिसाब से। सर अगर मैं पोर्टफोलियो थियरी के फॉर्मूले से चलूं, पोर्टफोलियो थियरी के हिसाब किताब से चलूं, तो मुझे बजाहिर बजाहिर मेरे पास बेहतर कंपनी नजर आ रही है रिटर्न के परस्पेक्टिव से, रिटर्न के परस्पेक्टिव से बेहतर कंपनी मुझे यहाँ पे रोलर नजर आ रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और दोनों का रिस्क भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो थियरी हमें रिस्क मिनिमाइज करना सिखाती है, रिटर्न मैक्सिमाइज करो रिस्क भी मैक्सिमाइज कर दो, ये पोर्टफोलियो थ्योरी नहीं सिखाती, वो कहती है कम से कम रिस्क में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए वो बहरहाल बेहतर है। तो अब हम यहाँ पे रिस्क भी कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से।
पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रिस्क विद द कोयल। ठीक है सर, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का इस तरीके से एक तवील फार्मूला हमारे पास जो है वो मौजूद है। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं एक इन्वेस्टमेंट की और उसके वेटेज के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट की, उसे उसके वेटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर टू इंटू इनका वेटेज, दोनों का वेटेज इंटू दोनों के रिस्क इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर क्या वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, ये देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें दोनों में अलग अलग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को प्लेस करना होगा, एक में 0.9 और दूसरे में 0.3। इस तरीके से मिला के दोनों अलग अलग फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आए इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। सर अगर हम इसका रिस्क कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस करना होगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को प्लेस करने जाता हूँ तो सर मेरे पास दोनों के रिस्क रिटर्न और इनके वेटेजेस, इस तरीके से मुझे नंबर्स को प्लॉट करना होगा। सर सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो हमारे पास ए के अंदर वेटेज कितनी है, 0.8 है वेटेज सर। ठीक है, और इसका रिस्क कितना है? सर इसका रिस्क है 3%। ठीक है, तो मैं 3 को स्क्वायर करता हूँ, 0.8 को स्क्वायर कर लेता हूँ, ये दोनों मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं प्लस करता हूँ इसी तरीके से इन दोनों को। यहाँ पर मेरे पास रिस्क कोयल के केस में कितना है, 2.5 है, और इसका वेटेज कितना है, 0.2 है। 2.5 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आप करें 2 इंटू दोनों के वेटेजेस, 0.8 और 0.2, फिर इन दोनों के रिस्क दैट इज 3 एंड 2.5, फिर इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो कितना है, वो है सर 0.9, वो है हमारे पास 0.9। इन सबको हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देना है, ये हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हम आए इसकी जरा कैलकुलेशन करते हैं। सर ये हमारे पास आके स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2.5 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आपके पास आ गया 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 2.5 एंड 0.9 एंड 0.9। कुल मिला के आपके पास आंसर आता है तकरीबन 2.86 का। ठीक है, आपने रिस्क कैलकुलेट कर लिया है, फिर रिस्क कोयल इज 2.86%। 2.86% का मुझे रिस्क देना पड़ रहा है कोयल के साथ। सर यही चीज़ अब मैं रोलर की कैलकुलेट कर लूँ, वही फॉर्मूले को यहाँ पे प्लेस करते हुए इसी को हम इस्तेमाल करके चल रहे हैं, इसी की बेस बना के। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला बुक में, चूंकि ओपन बुक है, सारा कुछ अवेलेबल होगा। इसके लिए भी हम सेम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर ये पार्ट सेम रहेगा क्योंकि ओकान सेम है, प्लस ये वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज होगा। आप 2.5 की जगह आप यहाँ पे 4% ले लें इंटू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, दोनों के रिस्क आपने यहाँ पे ले लिए, और फिर उसके बाद आ जाता है इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो कितना है सर, वो इस दफा 0.3 है, वो इस दफा 0.3 है। और आए इसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 0.8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा अब आगे 4 का स्क्वायर 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 4 एंड वी हैव 0.3 नाउ। ये बन जाता है सर तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.75। ठीक है, 2.75%, 2.75%। अगर मैं CAPM के हिसाब से देखूँ ना इसको, थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तो देखो एनालाइज करने पे ये पता चलता है कि अगर आपको यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है इन द केस ऑफ रोलर, तो उसी के अगेंस्ट रिस्क आपको यहाँ पे कम लेना पड़ रहा है। दिस इज लेस रिस्क एट हायर रिटर्न। तो एज पर पोर्टफोलियो थ्योरी, तो जो बेहतर इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो नजर आ रही है रोलर के अंदर। ठीक है, अब दोनों में से किसको कहाँ यूज करना है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे।
रूलर इज बेटर एज पर सीएपीएम तो ये नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सर यहाँ पे आपका जो रिस्क का कंपोनेंट है वो 2.75 है, कम है, और यहाँ पर रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है। सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को गौर से देखो, ये 0.9 है, ये 0.3 है, थोड़ा सा ये डाइवर्सिफाई कर रहा है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्यों सर? इसीलिए कर रहा है क्योंकि रूलर आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन वाली चीज है। अगर कल को आपको बिजनेस को कुछ होता है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना माल किसी और को सेल कर सकता है, वो एक इंडिविजुअल कंपनी है अलग से। कोरिलेशन कोएफिशिएंट थोड़ा कम है इसलिए आपको ये लेस रिस्की यहाँ पे जो है वो नजर आ रही, कंपनी लेस रिस्की नजर आ रही। तो पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से हमने इसका रिटर्न भी कैलकुलेट किया इन्हीं दो फॉर्मूले को यूज करके, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे रिस्क भी कैलकुलेट किया इन्हीं दोनों फार्मूला को इस्तेमाल करके। ठीक है, पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से हमारी यहाँ पे इवैल्यूएशन भी हुई और हमने कैलकुलेशन भी करी। अब यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है सीएपीएम के हिसाब से, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर आए अब उसको भी जरा कैलकुलेट करते हैं। पोर्टफोलियो थ्योरी के केस में जब हम रिस्क की बात करते हैं, इसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि भाई सीएपीएम में जब हम रिस्क की बात करते हैं तो इसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि भाई यहाँ पे रिस्क का मतलब होता है पोर्टफोलियो बीटा, कि आपकी पोर्टफोलियो की तमाम इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम टेकअप करते हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट्स को टेकअप करते हैं तो उसका वेटेड एवरेज बीटा कितना आता है, ये आपका टेक्निकली यहाँ पे जो है वो रिस्क, वेटेड एवरेज बीटा कितना आता है। और सर वेटेड एवरेज बीटा बिल्कुल वैसे ही निकलता है जैसे ऊपर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, कि आप दोनों के इंडिविजुअल बीटास को पिक करें, वो कहाँ है सर? ये रहे, ये इक्विटी बीटा मौजूद है तीनों के, और इनको इनकी वेटेजेस से मल्टीप्लाई कर दें, इनको इनकी वेटेजेस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी दोनों के अगर मैं वेटेड एवरेज बीटा निकालना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से निकल सकते हैं, वेटेड एवरेज बीटा कह लो या पोर्टफोलियो बीटा कह लो इन द केस ऑफ कोविल। सर अगर कोविल के केस में मुझे कैलकुलेट करना है तो दोनों के बीटास उठाओ इंडिविजुअल इक्विटी बीटा, सर ये है 0.78, इसको 80% की वेटेज दे दो, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा है सर 0.67, इसको 20% की वेटेज दे दो। ठीक है ना, आप 0.78 को ले लें 80% प्लस आप 0.67 को ले लें 20%, तो ये हो जाता है मिला के सर 0.758। और इसी तरीके से क्या मैं वेटेड एवरेज बीटा या पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकता हूँ रोलर का? बिल्कुल सर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, सिंपल हमने वेटेड एवरेज ले लिया। ठीक है ना, पहला वाला पार्ट सेम रहेगा 0.78 × 0.8, दूसरा वाला चेंज हो जाएगा, इस दफा आपका है 0.89 × 0.2। ठीक है ना, 0.89 इसी फॉर्मूले में सिर्फ इसको चेंज करना, 0.8 आपका यहाँ पे वेटेड एवरेज, 0.8 आपका वेटेड एवरेज बीटा यहाँ पे जो है वो बन जाता है। ठीक है, 0.8 वेटेड एवरेज बीटा बन जाता है। अब देखो यहाँ पे सीएपीएम के हिसाब से अगर आप देखो ना, सीएपीएम के हिसाब से तो रोलर इज रिस्कियर, रिस्कियर देन ओवर, क्यों? इसका वेटेड एवरेज बीटा ज्यादा आ रहा है, पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से कम आ रहा था, जबकि वेटेड एवरेज यहाँ पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सीएपीएम के हिसाब से ज्यादा आ रहा है, सीएपीएम के हिसाब से ज्यादा आ रहा है। सर अब रिटर्न भी कैलकुलेट कर लें दोनों का, तो रिटर्न तो सीएपीएम में बहरहाल हमारा मशहूर जमाना एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, रिटर्न इन द केस ऑफ कोयल एंड रिटर्न इन द केस ऑफ रोलर, ठीक है ना, दोनों के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। सर वो हमारा मशहूर फॉर्मूला है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू, इस दफा क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, पोर्टफोलियो बीटा यहाँ पे हम ले लेंगे। हमारा रिस्क फ्री रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ था सर? वो दिया हुआ है 7% और मार्केट दिया हुआ है 16। आप पोर्टफोलियो बीटा से मल्टीप्लाई कर दें 0.758। ठीक है, यहाँ भी इसी तरीके से होगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू पोर्टफोलियो बीटा, यह है 7% प्लस 16 - 7 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है ना, यहाँ भी इसको अकाउंट फॉर कर लेते हैं और यहाँ पे भी 7 + 16 - 7 × 0.758 ये बन जाता है सर 13.8% तकरीबन,
13.8%, और अगर मैं रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करूँ ये बन जाता है सर 14.2। नेचुरली सीएपीएम के अंदर चूंकि रिस्क ज्यादा है, बीटा ज्यादा है, तो आपका रिटर्न भी ज्यादा हो गया, मोर रिटर्न बिकॉज ऑफ मोर रिस्क। ज्यादा रिस्क लेने की वजह से आपका यहाँ पे ज्यादा रिटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएपीएम ये बताता है कि भाई जो ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न है वो रोलर के अंदर है, एज पर सीएपीएम मोर रिस्क एंड मोर रिटर्न इज विद रोलर, डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑन द शेयर होल्डर्स या बीओडी ऑफ ऑयल। अब ये ओकान के शेयर होल्डर पर डिपेंड करता है कि वो ज्यादा रिस्की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बजायर हमें ये नजर आ रहा है कि भाई सीएपीएम के हिसाब से ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न रोलर में, पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही रोलर में चाहिए क्योंकि वहां पर रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो वेटेज हमने लगा के चारों बेसिस चारों के केसेस के अंदर फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर ली, ये हमारा पार्ट ए यहाँ पे जो है वो डन हो गया, पार्ट ए यहाँ पे जो है वो डन हो गया। पार्ट बी में क्या कहते हैं, एडवाइस द बोर्ड विच मॉडल इज मोर सुटेबल टू इट्स सर्कमस्टांसेस एंड देन रेकमेंड विच इन्वेस्टमेंट द कंपनी शुड मेक। अभी यहाँ पे कहता है कि भाई बताओ पहले तो हमें कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, विच मॉडल पहला सवाल, और दूसरा विच इन्वेस्टमेंट दूसरा सवाल। चार नंबर के लिए दिया हुआ, दो दो नंबर की आप एक एडवाइस समझ लें, पहली वाली एडवाइस फिर दूसरी वाली एडवाइस, ठीक है। लेकिन इसमें कहते हैं कि जो नए डेट की कैलकुलेशन है ना वो भूल जाओ, वो पार्ट सी के लिए है, वो पार्ट सी के लिए। पार्ट बी के अंदर सिर्फ ये बता दो कि भाई मॉडल कौन सा ऑप्ट करना चाहिए और आपकी यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है, तो आए इसको देखते हैं। अच्छा जी, पोर्टफोलियो थियरी है ना, या सीएपीएम की अगर हम बात करें, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वर्सेस पोर्टफोलियो थियरी, देखो सीएपीएम के अंदर जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है ना वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए होती है। तो सिर्फ अगर दो कंपनीज की इवैल्यूएशन करनी है तो सीएपीएम उसके लिए जरूरी नहीं है या एक बेहतर मॉडल नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा कंपनीज हैं, एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो सीएपीएम सूटेबल होता है, सूटेबल फॉर कंपेरेटिवली अ लार्जर एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। नॉट फॉर टू कंपनीज ओनली, whereas portfolio theory is relatively simpler and suitable for one, two या three asset portfolio। तो ये बुनियादी फर्क है जो हमें यहाँ पे दो नंबर के लिए लिखना था। तो भाई आपके केस में ज्यादा सूटेबल ये वाला मॉडल है, as there are only two companies, अब अगर यही बात जो है वो यूनिलीवर कहेगा या पीएनजी नेस्ले वगैरह कहेंगे तो शायद हम नहीं मानेंगे क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर वो लोग जो है वो एंटर हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जहां पे आपकी एक दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक दो एसेट्स का पोर्टफोलियो है, तो फिर वहां पे बैलेंस पोर्टफोलियो थियरी सिंपलर होती है और आसानी से आपको जवाब दे देती है, तो फिर वो आपके लिए सूटेबल है। रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या है कि भाई क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, रिकमेंडेशन के पर्सपेक्टिव से देखो रोलर इज बेटर, इन टर्म्स ऑफ रिस्क सॉरी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, सो बीओडी शुड इवैल्यूएट द रिस्क एपेटाइट evaluate their risk appetite and then invest। पहले वो अपना risk appetite जो है वो evaluate कर लें और फिर उसके बाद invest करें। ऐसा ना हो कि भाई उनका risk appetite इतना ना हो और वो invest कर दें, अपने हिसाब से कर लें। लेकिन
थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना जरूरी है यहाँ पे। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे क्या था? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका ये था कि भाई आप रेडी मील्स की प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना चाह रहे थे, रेंज ऑफ रेडी मील्स बढ़ाना चाह रहे थे, जबकि ये रोलर के केस में वर्टिकल इंटीग्रेशन है। रेंज ऑफ रेडी प्रोडक्ट्स टू बी इंक्रीज, वेयर एज रोलर इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। And not ready products. आपका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा। रिटर्न बेशक आपको ज्यादा मिल रहा है, आपका सप्लाई चेन का एक मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है। तो जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से तो कोयल इज सूटेबल, एज इट इज रिलेटेड एंड राइवल प्रोडक्ट। ये बहरहाल बीओडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपने अपनी रिकमेंडेशन बता दी कि भाई अगर आप ये चाहते हो तो ये देखो, रिटर्न और रिस्क अगर आपका एपेटाइट ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा चाहते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो रोलर एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो सर यहाँ तक आते आते हमारी ये दो पार्ट्स पोर्टफोलियो थ्योरी और सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से यहाँ पे मुकम्मल हो गए। आसान से थे, इतने मुश्किल नहीं थे। जिसके फॉर्मूला पे ग्रिप थी, जिसको उसकी थ्योरी पे ग्रिप थी, जिसने किताब अगर इसकी अच्छी रीडिंग की हुई थी, लेक्चर सही से लिए हुए थे, वो आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है ना, थेरी आई क्या पूछने लगा है अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा। आपकी बुक वगैरह को भी आपको अकाउंट फॉर करना है, और जो क्लास में चीज़ें डिस्कस होती हैं उसको भी ध्यान से समझना है, ताकि एग्जाम में रिप्रोड्यूस किया जा सके। अब पार्ट सी में कहता है, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड एंड द लाइकली इशू प्राइस। अब देखिए यहाँ पे इसने हमें कोई टर्म वगैरह नहीं बताई, इसने सिंपल यहाँ पे क्या कहा है, एडिशनल इररिडीमेबल डेट फाइनेंस, existing debt carries a coupon rate of 6% trading at 75%, jabki new debt will have a coupon rate of 7% and the pre-tax cost of debt, yani ke debt such that investors will expect the same return, jo pre-tax cost of debt hai wo dono mein same hogi, dono mein barabar hogi, dono mein yahan pe jo hai wo barabar hogi। to part c ki calculation thodi si yahan pe technical hai, usko hame samajhne ki zarurat hai ki part c kaise calculate hoga। सर पार्ट सी के अंदर आप एक चीज देखें ना, उसने हमें रिडेम्पशन का बहुत ज्यादा कोई टाइम बताया ना, जो है वो एग्जैक्टली अमाउंट बताया ना, कोई दूसरी चीज यहाँ पे जो है वो बताई है, लेकिन इसने हमें एक हिंट दी है। वो क्या हिंट दी है सर? हमारा मशहूर जमाना फार्मूला क्या होता था सर? हमारा फार्मूला होता था मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन प्री टैक्स केडी। अब सर इसी प्री टैक्स केडी को आप यील्ड टू मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, सही है ना? आप इसको यील्ड टू मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, और इंटरेस्ट अपॉन यील्ड टू मैच्योरिटी, जो भी लिख लो मसला नहीं है। सर मार्केट वैल्यू अपडेट हमें पता है 75% है, ठीक है 75% है। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं सर? इंटरेस्ट दे रहे हैं आप 6% कूपन रेट। तो प्री टैक्स केडी कितना हुआ सर? प्री टैक्स केडी को आप यहाँ पे रखें और ऐसे कैलकुलेट कर लें, प्री टैक्स केडी इज इक्वल्स टू 6% अपॉन 75%। सर अगर मैं 6 को 75 से डिवाइड करता हूँ ये बन जाता है तकरीबन कोई 8%, यानी मेरा जो मार्केट रेट है, जो प्री टैक्स केडी है, वो 8% पे चल रहा है। यही आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। क्या हो गया रेजर को? यही आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है जो अभी मार्केट में चल रहा है, और जिसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, यही आपका यील्ड टू मैच्योरिटी भी है, ठीक है ना? दोनों बहरहाल आप इसको जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं। सर इसी यील्ड टू मैच्योरिटी को पकड़ते हुए, इसी यील्ड टू मैच्योरिटी को पकड़ते हुए आप नए बॉन्ड की मार्केट प्राइस यहाँ पे निकालें कि नया बॉन्ड अब कितने पे इशू होना चाहिए। तो सर नए बॉन्ड के लिए भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, एग्जैक्टली सेम फॉर द न्यू बॉन्ड, जो नया आप यहाँ पे इशू कर रहे हैं उसके लिए भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन प्री टैक्स केडी। तो सर मार्केट वैल्यू आपने निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 7% दे रहे हैं नए वाले पे। चल कितना रहा है मार्केट में? सर 8% चल रहा है। जब मार्केट में 8 चल रहा है और आप 7% देंगे तो लोग आपको पूरी 100 रुपए की वैल्यू तो नहीं देंगे, सर कितना परसेंट देंगे?
सेवन को डिवाइड बाय एट कर दो, सेवन डिवाइड बाय एट ये बन जाता है 0.875, यानी 87.5%। तो इन्वेस्टर विल पे 87.5 फॉर एवरी रुपी 100 बॉन्ड। 100 रुपए के बॉन्ड के लिए इन्वेस्टर आपको 87.5 रुपीस पे करने के लिए तैयार होगा, यानी कि कंपनी हैज टू गिव 12.5% ऑन इश्यू। 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 12.5 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। सही सर, ये सारा केडी और वैक वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि छोटा सा पार्ट था और इस सवाल के अंदर पूछ लिया गया था, तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को यहीं पे कवर कर लिया। ठीक है, तीनों चीजों को हमने यहीं पे कवर कर लिया। इस तरह से आते आते हमारे ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाता। ठीक है, ये सवाल हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो गया। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो लोग ये लेक्चर यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक के थ्रू देखेंगे वो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ड्राइव का लिंक भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी है, और इस मटेरियल की चीज़ों का लिंक भी मौजूद है, पोर्टल वगैरह का भी है, तो आप इस चीज़ को भी रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू।